विच ब्रॉडकास्ट बॉयस जिसमें जो है आवाज़ों का प्रसारण किया जाता है आप सभी जानते हैं कि रेडियो में हम सिर्फ आवाज़ सुनते हैं हमें चित्र दिखाई नहीं देते हैं ठीक है इट इज़ यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ एंड दैराइटीज़ ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ठीक है देख सकते हैं आप रेडियो ठीक है तो इसमें क्या है कि ज़्यादातर खबरों का और जो है बहुत सारे मनोरंजक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है रेडियो इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दोज हु हैव साइट रिलेटेड प्रॉब्लम तो रेडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें देखने में आ, या फिर देखने की कोई समस्या है या उन देख नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए भी तो, रेडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण है दे कैन हीयर एंड एन्जॉय द प्रोग्राम तो वो केवल सुन सकते हैं और प्रोग्राम जो कार्यक्रम होते हैं उनका आनंद ले सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है टेलीविज़न टेलीविज़न आल्सो प्रोवाइड वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट तो टेलीविज़न एक देख सकते हैं ये टेलीविज़न है टेलीविज़न वह माध्यम है जिसके द्वारा आप जो है बहुत सारी सूचनाएं और मनोरंजक कार्यक्रमों को देख सकते हैं ठीक है कि आपका मनोरंजन करता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देता है द टेलीविज़न हैज़ बोथ ऑडियो एंड विजुअल तो टेलीविज़न एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जो है देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं देयर फोर ए इट इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ द मॉस कम्युनिकेशन था ये एक जो है मॉस कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा लोकप्रिय माध्यम है ठीक है इसके बाद आते हम ई रीडर पर एन एन ई रीडर इज ए गैजेट तो ये एक, एक प्रकार का गैजेट होता है ऑफ द साइज ऑफ ए लार्ज सेलुलर फ़ोन इसका जो साइज है वो बिल्कुल किसी लार्ज सेलुलर फ़ोन जैसा होता है ऑन विच वी कैन रीड uh, बुक इस uh, इस रीडर e के माध्यम से हम किताबें पढ़ सकते हैं बुक कैन बी डाउनलोड डाउनलोडेड फॉर रीडिंग इन दिस गैजेट तो बहुत इसमें जो किताबें हमें जो है डाउनलोड कर सकते हैं उन्होंने उन्हों बाद में पढ़ सकते हैं ठीक है तो ये ई रीडर इसलिए काम आता है इसके अलावा सेटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन सेटेलाइट सेटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड फास्टर तो उपग्रहों के माध्यम से जो है क्या है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा सरल और तीव्र गति का हो गया है ठीक है आज आज हम बहुत कुछ ही सेकेंडों में जितनी भी दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं तो कम्युनिकेशन बाय ए मोबाइल फ़ोन रेडियो एंड टेलीविज़न इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेटेलाइट तो ये जो कम्युनिकेशन है ये जो वार्तालाप है जो हम रेडियो के माध्यम से होता है या फिर फ़ोन पर या फिर टेलीविज़न पर तो ये कैसे पॉसिबल हुआ ये सेटेलाइट के द्वारा पॉसिबल हुआ ठीक है सैटेलाइट द्वारा ही ये संभव हो सका है सैटेलाइट पिक आप सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड सेंड देम टू द अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सैटेलाइट क्या करते हैं ये देख लीजिए आप चित्र में सैटेलाइट क्या करते हैं सैटेलाइट जो है पृथ्वी के किसी भाग से यहाँ से सिग्नल्स को पिक करता है और पृथ्वी के किसी दूसरे भाग पर जो है जहाँ पर आप भेजना चाहते हैं वहाँ पर उसे सेंड करता है ये काम होता है सेटेलाइट का जिसके माध्यम से हम टीवी रेडियो चला पाते हैं ठीक है द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ सेटेलाइट इट इज पॉसिबल टू वॉच इवेंट हैपनिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तो अब आप देख सकते हैं सेटेलाइट की मदद से ही हम विश्व के किसी भी हिस्से में यदि कोई कार्यक्रम हो रहा होता है तो उसको जान उसकी जो है उसे देख सकते हैं ठीक है बिकॉज ऑफ द सेटेलाइट यू कैन वॉच लाइव टेलीकास्ट ऑफ स्पोर्ट एंड गेम्स बींग प्लेड इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड तो वही मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि सेटेलाइट के माध्यम से हम विश्व के किसी भी कोने में अगर कोई गेम है खेल हो रहा है स्पोर्ट हो, हो रहा है उसका हम लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं तो ये सब पॉसिबल हो पाया है सेटेलाइट की वजह से ठीक है ना यू नो अबाउट द डिफरेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आप जो है ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे आ, आ, अनेक मा माध्यमों के बारे में जान गए हैं एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स एंड देयर यूज और बहुत सारे वाहनों के बारे में आप जान गए हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं यू नो यू नो द स्टोरी ऑफ कम्युनिकेशन आप इस कम्युनिकेशन की स्टोरी को भी समझ चुके हैं फ्रॉम uh, जानते हैं ठीक है फ्रॉम दर्ज अर्लेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट टाइम पुराने समय से लेकर और आज के समय तक कम्युनिकेशन में क्या बदलाव हुए वो सभी आपको पता लग गए हैं टुडे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैव बिकम वेरी फास्ट एंड हैव मेड आवर लाइफ इजी टू ये आज के समय में जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट है ये बहुत तीव्रगामी हो गए हैं और जिससे हमारे जीवन जो है हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत सरल हो गई है सिंपल हो है ठीक है इजी 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 हो गई है ठीक है बेटा तो आज के वीडियो बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे तब तक के लिए थैंक यू